देश की सबसे पुरानी पार्टियों में एक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंगलवार को 137वां स्थापना दिवस कांग्रेसजनों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना के हाथों कांग्रेस का ध्वज फहराया गया। सुबह 11 बजे आयोजित कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस के द्वारा विगत 137 साल में किए गए जन कल्याण और जनहितेशी कार्यों का उल्लेख किया गया। साथ ही आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा देश के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्यों और जन आंदोलन को याद किया गया। कार्यक्रम में नीमच जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, देवेंद्र परिहार, इकबाल कुरैशी, नातू सी राठौर, राकेश वर्मा, भगत वर्मा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसजन और पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। हो गया। जैसे बताइए, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, क्या क्या आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जो 137 वर्ष पुरानी है। कांग्रेस का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी में अहम रोल निभाया और देश को आज़ाद कराया। उसके पश्चात 70 वर्षों तक देश को अपने पैरों पर खड़ा करा। कांग्रेस में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, ऐसे अनेक जो महापुरुष हुए जिनकी तपस्या, त्याग और बलिदान की वजह से यह देश स्वतंत्र हुआ। और हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के हम सदस्य हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं और हम सब आज संकल्प करते हैं कि आने वाले 100 सालों तक भी कांग्रेस इसी तरह देश की और समाज की, पिछड़े गरीबों की, किसानों की मदद करती रहे। इसलिए आज हमने यह स्थापना दिवस मनाया और अभी हम यहाँ पर मिष्ठान वितरण भी करेंगे, सबको इस खुशी में मिठाई भी बांटी जाएगी। क्या क्या आयोजन यहाँ पर? 137 साल पुरानी पार्टी हो गई है जी, लेकिन अभी तक इसके सक्रिय सदस्य मैदान पे काफ़ी कम नज़र आते हैं, क्या कारण है? नहीं, देखिए, 137 वर्ष पुरानी पार्टी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और वर्तमान समय की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे सदस्य सक्रिय नहीं है, परंतु जो वर्तमान प्रदेश की और देश की जो सरकार है वह दमनकारी नीति चला रही है, तो उसके कारण कुछ कांग्रेसी या कुछ लोग हमारे तरफ सामने नहीं आ रहे हैं, परंतु वह पीछे से हमें काफ़ी मदद कर रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा नहीं, हम तो आशा करते हैं। और देखिए, आने वाले समय में निश्चित ही प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी फिलहाल वर्तमान कल की बात देखें आप, पंचायती राज के बारे में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बोल दिया था कि बिना ओबीसी को प्रोटेक्शन दिए, बिना उनका आरक्षण किए चुनाव नहीं होना चाहिए, परंतु इन्होंने नहीं माना। अंततोगत्वा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब इनको मानना पड़ा और उसके बाद फिर पंचायत चुनाव इन्हें निरस्त करा। इसका सारा दोष बीजेपी सरकारों को है और उनको मजबूरी में फिर ये आरक्षण का मुद्दा वापस लाना पड़ा। आज यहाँ पर क्या क्या आयोजन हुए? आज यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर हमारा जो चरखे वाला कांग्रेस का झंडा है उसका ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात अंदर हमारे